वेलकम टू फॉलो। और आज फॉलो पर हमारे साथ है अर्जुन अवार्ड विनर, आई मीन अर्जुन अवार्ड रेसलर मिस्टर बिश्नोई सर। वेरी वॉर्म वेलकम ऑन फॉलो। धन्यवाद। तो टू बिगिन विथ, ये बताइए कैसा रहा आपका ये सफर दंगल के साथ? बहुत ही शानदार रहा, और जो कलाकार थे उन्होंने लाजवाब प्रदर्शन किया है कुश्ती का। जब मैं शुरू में यहाँ आया तो काफी मन में संशयाएं थी कि एक्टर और कुश्ती संभव नहीं, क्योंकि एक अलग तरह का स्पोर्ट्स है। शारीरिक क्षमता लगानी पड़ती है, बॉडी कॉन्टेक्ट गेम है, और उसमें भी लड़कियां रेसलिंग करेगी, और जिन्होंने कभी जिनका नाता ही नहीं है रेसलिंग से, तो मैंने असंभव सा मान रहा था। लेकिन जब मैंने आके यहाँ ट्रेनिंग देना शुरू किया तो मैं गलत साबित हो गया, ये देखकर कि उनमें जो कैचिंग पावर है, ग्रहण करने की क्षमता है, वो लाजवाब है। हूबहू टेक्निक जो बताते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी थी, तो उनमें स्टेमिना स्पीड जो कुश्ती में चाहिए थी, जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए रहता है कि एकदम से जोर लगाना, विस्फोटक ताकत, तो वो कमी थी। तो उसके लिए हमें फिर ट्रेनिंग कैंप लगाया, तरह तरह के पहलवानों को हमने चयनित किया और उनके साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, और ये समस्या जाके फिर दूर हुई। और एक कैंप लगाने के बाद जो उनमें निखार आया जी। एक पहलवान की तरह निकल के लड़कियां आई, गीता बबीता जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो मेडल जीत रही है, कॉमनवेल्थ की गोल्ड जीत रही है, ऐसा किरदार इन पहलवानों ने दंगल फिल्म में निभाया। तो कहीं ना कहीं अब जब फाइनली गाने रिलीज हो रहे हैं, ट्रेलर रिलीज हो गया, रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको लग रहा है कि मेहनत जो है काफी हद तक रंग लाई है? तमाम उन नियमों को हमने उन नियम के तहत ही हमने कराया, जो नेशनल कैंप के दौरान हम जो महिला पहलवानों को और कैंपरों को जो हम फैसिलिटीज देते हैं, खाने की हो, डाइट हो, या ट्रेनिंग सुविधा हो, ये जो शेड्यूल होता है हमारा, ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम होता है, उन प्रोग्राम को ही हमने फॉलो किया है। उसकी इंटेंसिटी हमने वहाँ की अपेक्षा थोड़ी कम रखी एक्टर के हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे फिर हम बढ़ाते गए जी। और एक समय ऐसा आ गया कि 45 मिनट से एक घंटा तक इनकी क्रॉस कंट्री यानी बगैर रुके रनिंग तक यानी परफॉर्मेंस पहुंचाई, जिससे इनका स्टेमिना डेवलप हुआ, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, इनमें कोऑर्डिनेशन, जो तालमेल है टेक्निक लगाने का कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो वो बड़ा गुत्थम गुत्था होने के लिए जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चाहिए रहता कि जो झटके के साथ ताकत लगा के कोई टेक्निक अप्लाई करना, वो बढ़ी। इनको इनमें टेक्निक लगाने की मास्टरी आई, तो वो जब तक नहीं हुआ जब तक आमिर खान जी शूटिंग भी शुरू करने वाले नहीं थे कि पहले कुश्ती सीख लो, चैंपियन की तरह उभर के आ जाओ, फिर शूटिंग शुरू हो। बट ये ऐसी लड़कियों को ट्रेन करना जिन्होंने सपने में भी रेसलिंग सोची नहीं होगी, और उनको इंडियन वुमेन रेसलिंग के लेवल की ट्रेनिंग देना, कितना रिस्क लगा, कितना आपके लिए एज अ चैलेंज था? देखो, चोट भी लगती है, कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसमें कुश्ती और चोट इनका चोली दामन का साथ है, बगैर चोटिल हुए आप कुश्ती की एक्टिंग भी नहीं कर सकते हो। तो आपने आमिर को भी ट्रेन किया, आपने इन चारों लड़कियों को भी ट्रेन किया, डिफिकल्ट किसकी ट्रेनिंग लगी? डिफिकल्ट सबसे ज्यादा जो ट्रेनिंग लगी है वो जायरा की लगी है, लड़कियों में जो यंगर गीता, हाँ, जो छोटे बच्चों में गीता फोगाट का रोल प्ले कर रही है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर से है और उसने कभी 10 मीटर भी दौड़ा नहीं कभी जीवन में, और स्पोर्ट्स तो बहुत दूर की बात है, और वो भी कुश्ती जैसा खेल। तो मैंने जब उसको ट्रेन करना शुरू किया तो उसको ना रोल आता था ना कडविल आती थी, अगर उसको स्प्रिंट मारने का बोलो तो वो नहीं दौड़ पाती थी, तो उसको जरूरत थी एक साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजी तौर पर उसको मोटिवेट करे। तो उसको हमने ट्रेनिंग जब शुरू की, कई जगह कोच होने के नाते मुझे धमकाना भी पड़ता था, डराना पड़ता था, कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल करना पड़ता था जो एक लड़की को नहीं बोलना चाहिए, एक पुरुष को एक लड़की को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोच होने के नाते वो परफॉर्मेंस में लाने के लिए, थोड़ा सा जोश और जज्बे में लाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम कुछ ऐसे शब्द भी बोलते थे कि चल करना ही है, डू इट, करो या मरो की स्थिति पे भी अड़ते थे। उसमें वैसे चोटिल भी हो जाए, छोटी मोटी चोट लगती थी, हमको पता है कि कितना वर्कआउट करने से कितना, और वो उस चीज को करती थी। तो
उससे बनती नहीं थी बात, लेकिन धीरे 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 फिर हम उसके हल्के पार्टनर लेके आए कि जो उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो उसके पार्टनर बनाए जाते थे, तो एक्सपर्ट रेसलर ढूंढ के लेके आना पड़ता था, जिनको चैन करना पड़ता था, हमें चयनित करते थे। तो उन पहलवानों के साथ जब ट्रेनिंग की तो धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ डेवलप होने लगी, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र की लड़की थी, 14-15 साल एज होगी इतनी, 12-13 या 14-15 ऐसी कुछ एज है। तो वो धीरे 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 उसकी स्ट्रेंथ डेवलप होने लगी और वो ताकत जो डेवलप हो रही थी वो कुश्ती के हिसाब से हो रही थी, तो वो बेनिफिट मिलने लग गया धीरे धीरे और उसमें आत्मविश्वास आने लग गया। और ट्रेंड रेसलर के साथ में भी फिर वो धीरे धीरे लाइन पटरी पर आने लगी। लेकिन जब मैं दंग रह गया, जब जायरा ट्रेनिंग के दौरान इतनी अच्छी टेक्निक नहीं लगाती थी और जब कैमरे चालू हो जाते थे तो वो लाजवाब प्रदर्शन करती थी जी, तो फिर मैंने एक रास्ता निकाला कि ट्रेनिंग के दौरान भी उसके ऊपर कैमरे की व्यवस्था मैंने प्रोडक्शन से बात करके की कि जी कैमरा लगाओ। अमीर जी की ट्रेनिंग कंटिन्यूटी में नहीं रही क्योंकि उनके पास में समय का अभाव था और भी उनके कई टूल्स वगैरह होते थे, फिर उनको वेट रिड्यूस करने का उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग से निर्धारित किया गया, तो उनको जैसे जब समय मिलता था उस हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम वही होता था, लड़कियों के साथ ही वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होते थे। लेकिन उनके लिए ये नहीं था कि वो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि फातिमा सना शेख की सबसे ज्यादा कुश्ती है तो, और सानिया मल्होत्रा की भी इतनी नहीं है, जहरा और इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यू चलता था। तो अमीर सर का ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके मुताबिक ही हमने थोड़ा फ्लेक्सिबल रखा जी, क्योंकि कुश्ती भी उनकी बहुत ज्यादा नहीं थी। बट कहीं ना कहीं वो भी दंगल में जो है उभर के आ रहे हैं एक रेसलर के तौर पे। नहीं नहीं, उसके लिए भी पूरा ट्रेनिंग की जरूरत थी जी, और उन्होंने किया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरीके की ट्रेनिंग आपने उनको दी, किस तरीके का डाइट था, किस तरीके का दिनचर्या था आमिर के लिए इस रूप में आने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वेट गेन करके भी वो एक अलग किरदार कर रहे हैं। और जैसे सलमान को हमने सुल्तान में देखा था, उनकी एक बॉडी अलग थी एज ए रेस्लर, बट यहाँ पे जो है आमिर की बॉडी जो है एज ए रेस्लर वो थोड़ी डिफरेंट है, तो आप मुझे वो बताएंगे कि इसका क्या फर्क है। देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा रिस्क लिया, डू एंड डाई, करो या मरो की स्थिति में आके काम किया जो कि हर कलाकार नहीं करता, यहाँ तक कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी होगा तो इस तरह का काम नहीं करेगा कि इतना वजन बढ़ा ले और फिर घटा ले और अपने जीवन के साथ इतना ज्यादा रिस्क कोई नहीं लेगा। ये नबी खान जी हैं और उनका जोश और जज्बा है और करो या मरो जैसी काम पे वो उतारू थे कि भाई मेरे को करना ही है, जिद्दी है, जुझारूपन है, तो ऐसा व्यक्ति कर सकता है। और वो जब तक किरदार पे पूरा नहीं आ जाते वो कोई काम करते नहीं है, जो भी काम कर रहे हैं ठोक बजा के कर रहे हैं। एज अ स्टार सर, मैं आमिर खान हूँ या मैं हीरो हूँ, वैसे कोई स्टारी टैंट्रम नहीं था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एक सामान्य व्यक्ति है। आने के बाद पता चला वो कितने नेक इंसान है, कितनी सभ्यता से पेश आते हैं और वो हमेशा अपने काम के प्रति कितना डेडिकेट हैं, कितना वो रखते हैं, और वो उस व्यक्ति को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं जो जिस क्षेत्र में आगे है। अगर मैं कुश्ती का आदमी हूं तो मेरे से जब तक अप्रूवल नहीं मिल जाएगी उस सीन की जी, मैं उसको हरी झंडी नहीं दिखाऊंगा जब तक वो बोलेंगे नहीं वापिस से ट्रेनिंग करो फिर शूटिंग हो। तो जब तक मास्टरी नहीं आ जाती थी, जब तक वो करते नहीं थे। ये इतिहास में जो दंगल फिल्म है ये ऐतिहासिक फिल्म है जो पूरी दुनिया में इसकी तारीफ होगी, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, लेकिन ये है जिसमें रियल रेसलिंग दिखाई जाएगी, कहीं भी फेक नहीं लगेगा। और इसका कारण है कि उन्होंने बहुत लंबी ट्रेनिंग की है और मास्टरी आने के बाद शूटिंग शुरू की।